वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और एक न्यू व्लॉग लेके। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं हीरा नंदानी में, पवई में। एक बहुत ही मस्त गार्डन है, आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, निर्वाणा गार्डन आप लोगों को लेके जाऊंगा, जो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, काफी यूनिक भी है, साथ ही साथ में वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज वीडियो के एंड में एक स्पेशल सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए। पहले निर्वाणा पार्क जाने वाले हैं। कहाँ है ये निर्वाणा पार्क? हीरा नंदानी में ही है, पवई के यहाँ पे। तो हम लोग अभी जो है हाईवे यूज करेंगे, और हाईवे के बाद में जो है मैं आपको रास्ता बताऊंगा जहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो मैं सारी जितनी भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी फोटो नहीं है, वो तेरी फोटो है। दोस्त का दूसरा नाम होता है वो। अच्छा, how can you say that? ये देख, यहाँ पे ये दिखाना है यार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, पैंथर, स्क्वायरल, फ्लेमिंगो। क्या बोल के आया है मोहम्मद, तू क्या बोल रहा है? ये सब वेड़े चाले मत कर भाई। यहाँ पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो काफी प्रो तरीके से होते हैं, इसलिए एक्सीडेंट प्रो है। वाह 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 वाह। ओह माय गॉड, लकीली यहाँ पे सिग्नल खुला हुआ है और हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से। ये हाईवे है और हाईवे से आपको यहाँ से मेट्रो स्टेशन के नीचे से राइट जाना है। ये मेट्रो स्टेशन जो है ये जोगेश्वरी ड्रामा हॉस्पिटल के पास है। रास्ता वैसा जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हो कि मेट्रो का काम ऊपर ऑलरेडी चालू है, और कहाँ नहीं चालू है का वगैरह। अगर आपको जाना है तो इसी रूट से जा सकते हो, पवई के लिए सीधा सीधा रास्ता है हीरा नंदानी के लिए। ये पूछ रहा हूँ कि काम कहाँ नहीं चालू आपको? म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है अभी। ये को इंसिडेंस है या फिर हमारी तकदीरी हमें ले आती है, जहाँ भी जाओ बस हमारा प्यारा सा झंडा लहराता हुआ दिखता है। ऐसा मत कीजिएगा गाइस, ऐसा मत करो गाइस, बहुत बुरा लगता है। दिल से बुरा लगता है। दिल से बुरा लगता है। दिल से बुरा लगता है गाइस। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। बिल्कुल दुबई जैसी फीलिंग आ रही है। ये देख, ये पवई लेक, पवई को तू देख। हाँ, इसको तो देख, पवई लेक ही बोलते हैं ना। होगा कोई पार्क और, ये लेक है। हाँ चलो, हा? जाना तू उधर जा, मेरे कैमर लेक है। चल, अभी कहाँ जाना अपने को? यहाँ से एक मिनट दूर जा रहा था वो, तो आई गेस इसी रास्ते पे होगा। तो ये ये देख, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे जा, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच चुके हो। एज अ लैंडमार्क अगर आप कभी कंफ्यूज हो गए तो ये पवई प्लाजा है। यहाँ से अंदर सामने अभी गाड़ियां जा रही है, तो आप लोग यहाँ अंदर जाओगे तो यहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस है एक मिनट का, तो आपको निर्वाणा पार्क दिख जाएगा। यही लेफ्ट में ही आपको दिखेगा। ये न्यू बसेस देखो कितनी प्यारी सुंदर सी लग रही है, मस्त। ये न्यू नहीं है भाई, ये पुरानी है। तो बिल्डिंग भी एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई मेमोरियल हाउस जैसा है ना। तो पीछे पहाड़ है ना? आई थिंक सो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड घाट के ऊपर। चलेगा, हम लोग पहुंच गए निर्वाणा पार्क। आवाज़ नहीं आ रही भाई, माइक नहीं लगाया तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ इसमें। फाइनली हम लोग, मैंने जैसे आपको दिखाया कि निर्वाणा पार्क
बाहर से लग रहा था कि कोई छोटा मोटा गार्डन है, ठीक ठाक है, बट अंदर आके काफ़ी खूबसूरत है, लेक्स हैं और एकदम ग्रीनरी है, फॉरेस्ट टाइप एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ट्री हाउस भी है, ट्री हाउस भी है। एक मिनट भाई, आराम से, एक मिनट। अगर आपने ऐसा बर्ड देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। ये देखिए ट्री हाउस है, ये देखो, वाओ, तेरे ऊपर। ये ट्री हाउस में ग्रेफिटी के नाम पे किसने खेल के चले गया। ये देखना क्या मस्त ट्री है यार, इसके लीव्स देख कैसे है, बहुत अच्छा है यार। तो आप लोग बिल्कुल विजिट कीजिए, और आप कब विजिट अपने फैमिलीज के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर बताना। ज़ूम कर, ज़ूम में ब्लर हो जाएगी। स्टिल देख ना, वाइट कलर की शार्क है, शार्क नहीं है, आई थिंक सो कैट फिश, बट वही टैंक में हम लोग रखते हैं उसको, शार्क ही बोलते हैं ना। बट डीप होगा ना पानी ये? हाँ, पॉन्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पीसफुल जगह है। कोई टिकट भी नहीं है, फ्री है, बहुत अच्छा है, एकदम नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसा लगे आप एक मिनी फॉरेस्ट में आ गए हैं। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर आप निर्वाणा पार्क से अगर यहाँ पे पवई लेकर आ रहे हो तो आप लोग है ना, अगर बाइक से आ रहे हो तो थोड़ा हम लोग, क्योंकि बाइक से आए तो काफ़ी लंबा यू टर्न हम लोग को लेना पड़ा, बट अगर आप लोग ऐसे आ रहे हो तो आप लोग बाय वॉक आ सकते हो। यहाँ के लिए आपको ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 5 मिनट्स होगा वॉकिंग डिस्टेंस, तो आपको जैसा ठीक लगे। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लेक पे, कितना देखो प्यारा लग रहा है लेक। पप्पा भी जा रहे हैं, so, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो ये पवई लेक है, और ये लेक जो है ये नेचुरली बना हुआ नहीं है, ये आर्टिफिशियली बना हुआ है। ब्रिटिश एरिया में 1800 में जो हमारे बॉम्बे में मीठी नदी है उसके पानी से आप जैसे देख सकते हो ये आर्टिफिशियल लेक बनाया हुआ है, और गवर्नमेंट ने ही यहाँ पे काफ़ी सारे जो है क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पे मतलब लाके डाले हैं बाहर से, ताकि इसको नेचुरली मेंटेन रखा जाए। कितना ब्यूटीफुल है देखिए,